नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागी लाल न्यूज चैनल से। कांग्रेस की पूर्व मेयर प्रत्याशी मुक्ता सिंह जी को जान से मारने की धमकी मिली है। आखिर पूरा मामला क्या है, इस पूरे घटनाक्रम पर हम उनसे बात कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मुक्ता मैम। मैम, किस तरीके की घटना है, क्योंकि शहर के लोगों में तमाम तरह की शंशा फैल गई कि एक बार फिर से जो है मैम को जो है जान से मारने की धमकी मिली, आखिर पूरा मामला क्या है? देखिए, ये बद्दा हमारे यहाँ, हमारी जो घड़ी नेगी वाला छोटा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उसमें ये वैन चलाता था और इसकी वैन की हालत इतनी दुर्दशा उसकी थी, ख़राब हो गई थी कि उसका इंजन तक भी कवर नहीं था और कभी भी ख़राब हो जाती थी, बच्चा बहुत लेट पहुंचता था। तो मौखिक रूप से कई बार उसको वार्निंग दी गई कि भाई तुम अपनी बस ठीक कराओ, अपनी वैन, और नहीं तो दूसरी वैन लगाओ, पर वो मान सुनता ही नहीं था, उसने उसी में करा। तो उसके मतलब थोड़े से पैसे हमने रोक लिए और हमने कहा ना, हम तुम्हें तब पेमेंट देंगे या तो हम उस पैसे से हम तुम्हारी वैन ठीक करवाते हैं, तुम वैन हमें दे दो, हम तुम्हारी वैन ठीक है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पे था, कोई हमारा ड्राइवर नहीं था ना हमारी वैन, हमारी थी, स्कूल की थी। तो वो उस समय भी उसने बदतमीज़ी करी, फिर वो जब ज़्यादा उसने लगा, मैंने कहा इसको हटा देते हैं, तो वो उसको हटा दिया गया। 2 महीने पहले उसको हमने हटा दिया और हमने कहा तुम आके अपना पेमेंट ले जाओ जब जाओ। तो फिर वो आके लेकिन वो फिर भी काम करता रहा, हमने उसको मौखिक रूप से कहा। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा चलो गरीब आदमी है, बेचारा काम कर रहा है, करने दो, कर मैं ठीक करवा लूँगा, मैं ठीक करवा लूँगा, करता रहा। उसके बाद इसने बदतमीज़ी करी काफ़ी, वहाँ से अपना हिसाब बनवा के लाया और मेरे इस वाले स्कूल में आया, कुंडेश्वरी वाले स्कूल में। और मैंने कहा ठीक है, मैं तुम आ जाओ, अपना पेमेंट पूरा ले जाओ, मैं मुझे कुछ होनी है। तो जो भी इसका पेमेंट था, मैंने फुल एंड फाइनल पेमेंट करके चेक से पेमेंट किया, क्योंकि मुझे उसकी हरकत जो है ठीक नहीं लग रही थी। वो ऑफिस में आया और आके उल्टा सीधा बोलने लगा और मुझे भी धमकी दी उसने और हमारे और लोगों के साथ भी अभद्रता करी। तो मैंने ये सोच के कि ये ऐसे ही है, मेंटली ये ठीक नहीं है, मैंने इसको कहा तुम बाहर बैठो, यहाँ अगर मैंने पुलिस बुला ली तो तुम जो हो फंस जाओगे और तुम्हारे बच्चे रोएंगे फिर। तो मैंने कहा तुम बाहर बैठो, और अपने असिस्टेंट को बुला के कहा कि इसका चेक बना के इसका पेमेंट फाइनल कर दो, और लेकिन इसके चेक पे इसकी रिसीविंग ज़रूर ले लेना, क्योंकि मुझे इसकी हरकत सही नहीं लग रही है। तो उसने एप्लीकेशन भी लिखी, उसमें भी लिखा उसने बाकायदा कि मेरा अब कोई बकाया स्कूल पर नहीं है, मुझे इतना भुगतान प्राप्त हुआ, हमारे स्टेटमेंट में भी उसका कैश, उसने चेक कैश कर लिया है, उस स्टेटमेंट में भी आ गया है। ये बात 18 सितंबर की है। और उसके बाद जब बात ख़त्म होगी, मैंने कहा क्या करना, फिर बाहर भी गया, मेरे ड्राइवर को उल्टा सीधा बोला, जाति सूचक शब्दों से भी उसने उसे बोला। तो मैंने कहा, फिर भी मैंने दबाने की कोशिश की, मैंने कहा छोड़ो यार, गरीब आदमी के क्या वो करना, हो जाता है कभी उनका दिमाग कभी ख़राब हो। लेकिन उसने यही बात फिर CM पोर्टल पर डाल दी, और CM पोर्टल पर डालने के बाद 21 तारीख को, मतलब जब उसने चेक कैश करा लिया है, पैसा उसकी जेब में आ गया है, तब उसने CM पोर्टल पर 21 तारीख को डाला, जबकि मैंने चेक उसको 18 को दे दिया था। पहले डाला होता तो भी बात थी जी, पर बाद में डाला है। तो उसके बाद CM पोर्टल पर डाल, वो भी मैंने फिर उनका जो हमारे यहाँ पर जो संतोष देवरानी यहाँ पे जूनियर इंस्पेक्टर हैं, वो उनके पास मैंने सारी, मेरे पास तो सारा कागज़कारी कार्रवाई पूरी थी, मैंने कहा उनकी फ़ोटो स्टेट कराई, सिग्नेचर करे, उनको दे दिया, उन्होंने भी अपनी फाइनल रिपोर्ट लिखा दी, उसमें कुछ नहीं हुआ। जब वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ तो इस आदमी ने क्या किया कि गढ़ी नेगी में जाके रिपोर्ट कर दी कि मेरा 1,00,000 रुपया मैम के ऊपर बकाया है। भाई जब तूने लिख के दे दिया मेरा कुछ भी बकाया नहीं है, ये फाइनल पेमेंट मुझे मिल गया, ये इस तरह का ब्लैकमेल करता था। तो फिर जब सर से पानी ऊपर जाने लगा, तब मैंने कहा इसको सही लेना ज़रूरी है, और जो इसने धमकी दी थी मुझे, फिर मैंने उसकी FIR कर दी। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब जो है मामले की जांच चल रही है। हाँ जी, ठीक है, मुझे विश्वास है पुलिस के ऊपर, मुझे अपने न्याय प्रणाली पर विश्वास है कि ना मैंने कभी, आज तक 19 साल से मैं ये स्कूल चला रही हूँ, ना मैंने कभी किसी का पैसा मारा है, और यहाँ तक कि कोरोना में जब दूसरे स्कूल आधी आधी सैलरी दे रहे थे तब मैंने पूरी पूरी सैलरी दी। हाँ, ये ज़रूर था कि मैंने वो आधी आधी करके दी, मतलब आधी 15 दिन की दे दी, फिर 15 दिन की बाद में दी, क्योंकि मेरे पास भी इतना पैसा नहीं आ रहा था। ठीक है, उस समय सभी की हालत ख़राब थी, मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करूँगी, लेकिन मैंने दिया। मैं, आप इतने मेरे
पिछले इतने सालों से लोग बाग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा पैसा मारा है जी। तो इसलिए मैं तो, मुझे तो बहुत बुरा लगा, और जब बात मेरी बिल्कुल ऊपर हो गई तब मैंने कहा कि भाई अब तो इसको सबक मिलना ही चाहिए। जब मैंने सारी बातें माफ़ करके उसका उसको नज़रअंदाज करती चली गई, लेकिन वो आके बदतमीज़ी करी और मारने की धमकी दी उसने मुझे, मतलब मुझे क्या मारेगा वो जी। तो इसलिए मैंने फिर मुझे अब करना पड़ा जी। तो आपके हमारे साथ पूर्व मेयर प्रत्याशी कांग्रेस के मुक्ता सिंह जी का साफ तौर पर कहना है कि जो बकाया था उसको जो है उसको दे दिया था, लेकिन अभद्र व्यवहार के चलते ये घटनाक्रम हुआ। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सिद्धार्थ शर्मा, सुरागी लाल न्यूज चैनल, काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।